हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस। आप लोग कैसे हैं? सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग इस टाइम तो 9 बज रहा है, सबके पास इस टाइम काम होगा, काम ही कर रहे होंगे। हम भी तो अभी छुट्टी पाए हैं, अभी क्या छुट्टी नहीं मिली हमको, लेकिन तो बस ये है कि अभी हम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। देखिए, क्योंकि हस्बैंड जी अभी गए हैं, बच्चों की छुट्टी, आज पेरेंट्स मीटिंग है, तो इसलिए चाय पी लेंगे, काम कर लेंगे, तो फिर बच्चों के स्कूल जाएंगे। आवाज़ तो धनतेरस भी है। देखिए, छोटा वाला बेटा मेरा है, अभी बदमाशी कर रहा था, अभी तो बैठा है। और सब लोग क्या कर रहे हैं? सबकी सफाई फाई हो चुकी कि नहीं? अब तो लगभग आज सबकी हो ही गई होगी, क्योंकि आज है धनतेरस। धनतेरस के एक दिन पहले ही सब लोग कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आज तो मेरे पास कुछ है, क्योंकि थोड़ा बहुत चादर बेडशीट वेडशीट धुलनी थी मुझे, वही करेंगे। और तो सब किए ही हैं, खाली बेडशीट ही साफ करके डाल देंगे, बिछा देंगे, क्योंकि फिर उसके बाद हम तो दीपावली में यहाँ रहते नहीं हैं, हम जाते हैं अपने ससुराल। आप लोग को दिखाएंगे अपना ससुराल, गांव का घर। दिखाए तो नहीं, दिखा चुकी हूँ, गई हूँ बहुत बार। नहीं गए हैं, गई हूँ। आप लोग से अभी मिलते हैं, मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। अभी आप लोग से चाय पी के तो मिलते हैं। हेलो, देखिए हम तैयार हो गए हैं जाने के लिए स्कूल। आज है पेरेंट्स मीटिंग, तो निकलेंगे। ताला लगा लो बेटा, और गेट पे भी ताला लगाना। तो अब हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए, क्योंकि वैसे ही स्कूल में ज़्यादा बहुत वैक्सीनेशन नहीं, देखो होती है कि नहीं। अभी तो ये लोग शूज पहन रहे हैं, पहन लें तो चलें। डायरी किस लिए लेना है? बोले हैं। अच्छा, तो जो देखियो जानबूझ के दोनों लोग तो शूज पहन लिए हो। नहीं, हम नहीं निकाल पाएंगे, जहाँ पर रखे होगे ले आओगे जाके। डायरी भी ले जानी है इन लोग की, तो वही दोनों लोग आपस में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं वो ले आओ, वो कह रहे हैं वो ले आओ। दोनों भी एक ही एक को भी काम नहीं करना चाहते हैं, अपना खुद की डायरी लानी है, लेकिन तो बता रहे हैं दूसरे को तुम ले आओ, वो कह रहे हैं वो ले आओ, मम्मी तुम ले आओ। हम तो रेडी हो गए हैं, बहुत कुछ रेडी नहीं होना था, बस ऐसे ही सूट डाल लिया बस, और तो कुछ नहीं, क्योंकि स्कूल में जाता बहुत रेडी होके नहीं जाना चाहिए इतना। देखिए, आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा ससुराल देखने को मिलेगा, जो कि कल हम लोग निकलेंगे यहाँ से, जाएंगे। बटन नहीं बंद कर पाते अपने से, पकड़ो ये, बंद मत करो ऐसे बस बटोर दो, चल रहा है। हम लोग निकल लिए हैं, लगाओ ताला। जा रहे हैं स्कूल इन लोग के, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तो चाबी जेब में रख लेना अपने, बंद होने दोगी चाबी जेब में? नहीं, बंद हो गया।
रख लो जेब में। जा रहे हैं बड़े वाले बच्चे की क्लास में। वापस आ रहे हैं, हो गई तो वैक्सीन लगते। हम आ गए हैं घर, कपड़ा चेंज कर लिए हैं, अब चल रहे हैं काम में, काम करने, जो कि काम बहुत है। कपड़े भी पैकिंग करने मुझे और सामान इधर उधर सब सेट करना है, बेडशीट वेडशीट भी कुछ काम करके गए थे क्योंकि सुबह इतनी जल्दी काम थोड़ी तो थोड़ा सा बाकी जो रह गया वो आके कर रहे हैं, शुरू कर दिए क्योंकि काम बहुत ही सारा है। शाम को धनतेरस की मार्केटिंग भी करनी है, आप लोग को हम दिखाएंगे कि हम क्या मार्केटिंग किए हैं, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। इसी ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे कि हम क्या लाए हैं, और आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा मेरा ससुराल का, जो कि हम जब निकलेंगे तो आप लोग को बताएंगे। चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। देखिए हम स्कूल से आने के बाद बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिली थी मुझे, हम काम करने लगे थे क्योंकि आप लोग से तो बताया ही थे कि बेडशीट वेडशीट भी साफ़ करनी थी मुझे, तो आज वह कम साफ़ ऑफ करके यही अभी छुट्टी पाए हैं। फिर उसके बाद नहाए हैं, नहाने के बाद यही अभी बैठे हैं। अभी मार्केट भी जाना है क्योंकि अभी सारा सामान लाना है आज, तो हमको बच गया साफ करते 4:30। अभी यही टाइम मिला है, बिल्कुल 2 मिनट थोड़ी देर हुआ ही, अभी यही टाइम मिला हमको, तो सोचे लाओ आप लोग नहीं कहेंगे कि कहाँ चली गई, नहीं तो बस यही बताने के लिए। फिर अभी हम आप लोग से फिर मार्केट में आप लोग को दिखाएंगे कि हम क्या क्या लिए, क्योंकि मार्केट जब जाएंगे तो जो कैप्चर कर पाएंगे करेंगे, दिखाएंगे आप लोग को यहाँ की मार्केट, और जो सामान लेंगे वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे कि हम क्या लिए हैं, और आप लोग ने क्या ख़रीदा आज, आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आप लोग ने क्या लिया। ज़रूरी सब लोग आज ज़्यादा गणेश लक्ष्मी दिया और भी जो जिसके जो है वो लेगा, तो जो हम लेंगे वो हम भी आप लोग को दिखाएंगे कि हम क्या लेंगे। चलिए हम बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, तो फिर हम आपसे अभी कुछ देर में मिलते हैं क्योंकि अब चल रहे हैं, थोड़ा रेडी ओडी होंगे फिर सामने दिया जला के फिर तब निकलेंगे मार्केट के लिए। और यहाँ तो बंदर बहुत ही परेशान कर दिए हैं, बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, इतना ही बंदर परेशान किए हैं। आप दरवाज़ा बंद करके बैठे रहिए तो दरवाजा तेज से हिलाने लगते हैं, तो दो कहाँ है, अभी तो अभी अंदर बैठे दरवाजा खुला था तो बंदर आ गया था। चलिए हम फिर आप लोग से मिलते हैं अभी कुछ देर में मेरे ब्लॉग में, बने रहिएगा। आपको क्या लगा? ये देखिए हम तैयार हो गए हैं जाने के लिए मार्केट, बेटा भी जा रहा है छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं जाएगा, वो घर पे रहेगा, है नहीं कह रहे नहीं, और तब हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं आप लोग को दिखाएंगे मार्केट में, हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं मार्केट।
क्योंकि अभी टाइम है, वैसे भी देर हो जाएगी जाने में, तो इसीलिए अभी निकल रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे। सब पूछते रहते हैं कि वो आ गए तो क्या करेंगे, गा के बताते हैं। अब अगर राम जी अयोध्या से इतनी दूर आएंगे ही तो सिर्फ दीप थोड़ी ना जलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे करे शाम संग आएंगे। सब पूछते रहते हैं कि वो आ गए तो क्या करोगी, गा के बताती हूँ। अब अगर राम जी अयोध्या से इतनी दूर आएंगे ही तो सिर्फ दीप थोड़ी ना जलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे शाम संग आएंगे। पूछते रहते हैं कि वो आ गए तो क्या करोगी, गा के बताती हूँ। राम आएंगे तो अंग ना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंग ना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे।
अब अगर राम जी अयोध्या से इतनी दूर आएंगे ही तो सिर्फ दीप थोड़ी ना जलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे श्री राम। सब पूछते रहते हैं कि वो आ गए तो क्या करोगी, गा के बताती हूँ। राम आएंगे तो अंग ना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंग ना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। जय श्री राम। अब अगर राम जी अयोध्या से इतनी दूर आएंगे ही तो सिर्फ दीप थोड़ी ना जलाऊंगी। रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे श्री राम आएंगे। जय श्री राम। सब पूछते रहते हैं कि वो आ गए तो क्या करोगी, गा के बताती हूँ। जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे श्री राम। अब अगर राम जी अयोध्या से इतनी दूर आएंगे ही तो सिर्फ दीप थोड़ी ना जलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे श्री राम आएंगे।
सब पूछते रहते हैं कि वो आ गए तो क्या करोगी। गा के बताती हूँ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। अब अगर राम जी अयोध्या से इतनी दूर आएंगे ही तो सिर्फ दीप थोड़ी ना जलाऊंगी, एक बीच में लगा दो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, श्री राम आएंगे। तो इसलिए जो गणेश लक्ष्मी ले आए थे हम आज ही पूजा उसकी कर दिए। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पूजा वूजा कर चुके कि नहीं? हमारी तो पूजा हो गई, 8 बज रहा है। मार्केट में इतनी ज़्यादा ही भीड़ है कि आप अभी हम गए थे, कुछ काम रह गया था जो कि करना था मुझे, तो अभी हम गए थे और बहुत भीड़ है, अभी भी भीड़ है। अब आप लोग को तो हम जो ले आए हैं वो सामान दिखाए ही, आप लोग को कैसा लगा मेरा सामान, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा सामान कैसा लगा हम जो लेकर आए हैं। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो, जा रहे हैं खाना बनाने क्योंकि 8 बज गया है, सब्जी उब्जी देखिए लेकर बैठे हैं काटने, और काट लेंगे तो बना लेंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अपने ससुराल। चलिए रखते हैं, अब सबको हैप्पी धनतेरस, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब हम रखते हैं, और मेरा चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।